हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसमें एक एंगल सम प्रॉपर्टी है, पहले ये देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आपको शो करना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको ये शो करना एंगल 1 + 2 + 3 180 डिग्री। तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जो क्यू आर है बेस। क्यू आर के पैरेलल एक लाइन पी से ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर फ्रॉम पी। अब यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये क्रॉसिंग में बन रही है, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 4 इक्वल टू 2, इधर से 5 इज इक्वल टू 3, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ 4 + 1 + 5 तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और 4, 1 और 5 बना रहा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो 4 + 1 + 5 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आपको सिंपल क्या करना है, 4 को रिप्लेस करना है 2 से, यहाँ आ जाएगा 2, और 5 को रिप्लेस करना है 3 से, यहाँ आ जाएगा 3। तो ये बन जाएगा 2 + 1 + 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 इन 1, तो ये बन जाएगा एंगल 2 + 1 + 3, यानी एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दो अल्टरनेट पेयर इक्वल दिखाने हैं, फिर ये स्ट्रेट एंगल इक्वल है, तो आपके इनकी वैल्यू पुट करनी है, 4 की जगह 2 और 5 की जगह 3, हो जाएगा 1 + 2 + 3 180 डिग्री। अब आ रही है एक्सरसाइज हमारी 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू। 6.39 में क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रेंगल आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी। क्यू पी को एस तक और आर क्यू को टी तक प्रोड्यूस किया गया है। एंगल एस पी आर 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री। फाइंड एंगल पी आर क्यू, आपको निकालना है पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन और टू शो है, वो टू फाइंड है, वो लिखना है आपको। ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएगा एंगल 1 + 2 180 डिग्री। यहाँ पर ये एंगल 1 मान लिया, ये 2, 3, 4, 5। आप नेमिंग भी दे सकते हैं, ये बनेगा पी क्यू आर, ये बनेगा पी क्यू टी। इसी तरह 4 बनेगा क्यू पी आर और 3 बनेगा आर पी एस, 5 बनेगा पी आर क्यू। तो जहाँ एंगल बनता है वो सेंटर में आना चाहिए नेम, बस ये ध्यान रखना है। तो एंगल 1 + 2 180 डिग्री लीनियर पेयर। यहाँ एंगल 1 दे रखा है 110, तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 - 110, दैट इज 70 डिग्री। इधर से एंगल 3 + एंगल 4 है 180 डिग्री, 3 दे रखा है 135, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, 180 - 135। इन ट्रेंगल पी क्यू आर, ट्रेंगल है पी क्यू आर, 4 + 2 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या आएगा आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 4 + 2 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल 2 की वैल्यू जो फाइंड की थी 70, वो पुट की हमने। एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट की थी 45 डिग्री, वो पुट की। यहाँ से एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी, ये 115 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 65 डिग्री। तो एंगल 5 यानी पी आर क्यू आ गया आपका 65। 1, 2 से 2 आएगा, 3, 4 से 4 आएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या गिवन है हमें, इन फिगर 6.40 एक्स 62 डिग्री, एंगल एक्स दे रखा है 62, एंगल एक्स वाई जेड ये कंप्लीट एंगल है 54, उसके बाद वाई ओ एंड जेड ओ आर बाई सेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। वाई ओ बाई सेक्टर है एक्स वाई जेड का, यानी 54 का बाई सेक्टर है वाई ओ, यानी ये दोनों हाफ ऑफ हो जाएंगे। इधर से जेड ओ बाई सेक्टर है एक्स जेड वाई का, इस कंप्लीट का, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यू हैव टू फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। ओ जेड वाई यानी ये एंगल, वाई ओ जेड यानी ये एंगल, ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले गिवन और टू फाइंड लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन में ट्रेंगल एक्स वाई जेड लेंगे। ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इधर से एंगल एक्स, ये सिंगल था इसलिए एक्स लिखा, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं तो कन्फ्यूज़न है, तो इसको पूरा नेम देना है एक्स वाई जेड, और इसको भी पूरा नेम देना है एक्स जेड वाई।
तो एंगल x प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई 180 डिग्री, ये 62 है, ये 54 है, तो ये आ जाएगा आपका 180 माइनस 62 माइनस 54 यानी 116, माइनस कर देंगे ये आ जाएगा 64 डिग्री, तो ये कंप्लीट आ गया आपका 64 डिग्री। वाई ओ और जेड ओ बाई सेक्टर्स हैं, तो ये मान लिया हमने इतना सिर्फ एंगल 1 और इसका हाफ मान लिया एंगल 2, तो एंगल 1 हो जाएगा हाफ ऑफ 54, एंगल 2 हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई यानी हाफ ऑफ 64, तो ये एंगल 1 है हाफ एंगल वाई का, ये एंगल जेड का, तो ये 54 का हाफ 64 का हाफ ये हो जाएगा 27 एंड 32, तो एंगल 1 तो आ गया आपका 27 और एंगल 2 आ गया आपका 32। अब इन ट्रेंगल वाई ओ जेड एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, तो एंगल 1 और 2 की वैल्यू आपके पास है ये पुट कर देंगे, यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस 59 दैट इज़ 121, ये आपको निकालना था वाई ओ जेड और दूसरा निकालना था ओ जेड वाई ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, इन फिगर 6.41 ए बी इज़ पैरलर टू डी ई, इसमें ए बी और डी ई पैरलर लाइन्स हैं, तो पैरलर पेयर हैं, बी ए सी 35, बी ए सी ये 35 है, सी डी ई 53, सी डी ई ये 53 है, डी सी ई निकालना है, एंगल डी सी ई निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो क्या है, ए बी इज़ पैरलर टू डी ई, ए बी और डी ई पैरलर है, ये एंगल दो गिवन है, डी सी ई निकालना है आपको, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दो पैरलर लाइंस हैं, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्सल, एंगल 1 और 2 कैसे हैं क्रॉसिंग में, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो 1 इक्वल टू 2, 2 कितना है 35, ये गिवन है आपको, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 35, एंगल 135 आ जाएगा, फिर ट्रायंगल से ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी डी ई यानी एंगल डी 180, यहाँ ये 35 आ गया, ये 53 था, तो 35 प्लस 53 88, उधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 88 कितना आ जाएगा 92, ये आपको निकालना था एंगल डी सी ई, तो ये आ गया आपका 92 डिग्री। तो ये थी आपकी एक थ्योरम आई थी बीच में एंगल सम प्रॉपर्टी वाली, ये भी करनी है आपको अच्छे से करना, इसको भी फेयर में करना एज इट इज़, आप यहाँ से थ्योरम लिखकर और आप यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे, सिर्फ एक ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन खुद लिखनी है, यहाँ से यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है, ये वाला डायग्राम बनाना है इसका, और इसमें यहाँ पर एक लाइन आपको खुद लिखनी है ड्रो एक्स पी वाई पैरेलल टू, या ये लाइन लिख देना एज इट इज़ ड्रो अ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू पी, बस इतना लिख देना, ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, और आपको ये शो करना है एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180, ये 2 प्रूफ में आ जाएगा, और आपको एज इट इज़ ये सॉल्यूशन लिखना है एंगल थ्योरम 6.7 ये फेयर में करनी है, उसके बाद आपको ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड करनी है। ये थे आपके 3 क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट 3 करेंगे। थैंक यू।